आज हम नेचर की एक सबसे बेहतरीन और सबसे खूबसूरत जो प्रोसेस है उसके बारे में आज हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, जिसका नाम है रेनबो, यानी कि इंद्रधनुष। आप लोगों ने अक्सर बारिश के मौसम में बारिश होने के बाद एक सर्कल सा, हाफ सर्कल सा एक कलर्ड आपको व्हील दिखती है, बेसिकली उसको हम रेनबो बोलते हैं। सो ये रेनबो है क्या? ये रेनबो जो कि एक ऑप्टिकल फेनोमेना है, जो बेसिकली कहाँ से आती होगी, एक मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस, सर्टन मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस है जिसको हम मौसम की मौसम से रिलेटेड जो होते हैं परिस्थितियाँ उसकी वजह से होता है। और ये बेसिकली पानी की जो बूंदें होती है बारिश के उसका इंट्रैक्शन सनलाइट के साथ होने की वजह से वो दिखता है बेसिकली। सो जिसको हम रिफ्रैक्शन और इंटरनल रिफ्लेक्शन डिस्पर्शन, किसका? लाइट का, जो कि वाटर के ड्रॉपलेट्स के साथ में होता है बेसिकली। और इसी की वजह से हमको एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम लाइट का बेसिकली दिखता है स्काई के अंदर। और जो रेनबो है ये अलग अलग कलर्स में आपको देखता है बेसिकली दिखता है, राइट? सो क्योंकि रेनबो जो है ये सनलाइट में अपीयर होता है, राइट? और बेसिकली इसका और एक, अगर आप देखेंगे उसको, सनलाइट जहाँ से सन होता है उसके अपोजिट में वो आपको रेनबो दिखता है, राइट? मतलब जिस डायरेक्शन में आपका सन रहेगा उसके अपोजिट साइड में जो है वो रेनबो दिखता है। रेनबो का एक स्पैन जो है एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का एग्जांपल है, जो केमिस्ट्री वाले होंगे शायद उनको ये सारी चीज़ें पता होगी। सो अब यहाँ पे क्या होता है, जो स्पेक्ट्रम है ये कंटिन्यूस बैंड में आपको वहाँ पे बेसिकली दिखता है, जो कि हम इंसान जो है अपनी आँखों से आसानी से जो है उसको विजिबल देख सकता है, राइट? उसको देख सकता है बेसिकली। और उसमें कई सारे टाइप्स के कलर्स होते हैं, राइट? सो और वो उनकी जो इंटेंसिटी है वो भी जो है बेसिकली डिपेंड करता है, राइट? सो जिस तरह का मौसम है उस तरह से। सो इसाक न्यूटन ने सबसे पहले इसको टर्मिनोलॉजी दी थी, और जिसमें रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट, इस तरह के कलर्स हम उसमें देख सकते हैं, ठीक है? सो इसको कई लोगों ने एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट? उसमें से मैंने एक साइंटिस्ट का नाम लिया जिसका नाम है इसाक न्यूटन। उसके बाद कई सारे लोग आए और बेसिकली जो है हम उसको विगबियर नाम से शॉर्ट में इंडिकेट करते हैं, राइट? सो ये मौसम की कुछ घटनाएं होती है जिस वजह से ये हमको एक नेचर की बेहतरीन चीज़ जो है फुल कलरफुल फॉर्म में हमको देखने को मिलती है, राइट? सो और विगबियर का मतलब बेसिकली क्या हो गया आपका? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इस तरह से उसको बेसिकली डिवाइड किया जाता है। सो थैंक यू।